Hey guys, welcome back to our channel and welcome back to a new blog. आज हमारा स्टेकेशन का सेकेंड डे है और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्लू वाटर्स जहाँ पे एन दुबई या फिर आप कह सकते हो दुबई आई है। थोड़ा डर डर के ही जा रहे हैं हम लोग क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पे जा तो रहे हैं लेकिन पता नहीं कितने अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे क्योंकि वो जगह ही ऐसी है कि आपको पूरा ही आउटडोर घूमना पड़ेगा और अभी इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि क्या बताऊँ। अभी हम लोग पहुँच गए हैं एन दुबई के पास और यहाँ से ना हमारे होटल तक चल के भी जा सकते हैं लेकिन गर्मी का मौसम है इसीलिए हम लोगों ने सोचा चलो टैक्सी ले लेते हैं, कम से कम इंसानों जैसे शक्ल रहते रहते थोड़ा पिक्चर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर ज़्यादा गर्मी हुई तो टैक्सी से ही वापस जाएंगे नहीं तो चल के जाएंगे। किसी को बोलते हैं पिक्चर क्लिक करने के लिए तो इसके बाद रिफ्यू की जैसी शक्ल हो जाएगी। हम लोगों ने आज प्लान किया है कि इस जगह को थोड़ा सा डे लाइट में देखेंगे, उसके बाद सनसेट देखेंगे और फिर अंधेरा होने के बाद इस जगह का लुक कैसा आता है वो देख के फिर हम लोग लौट जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद अभी गर्मी तो बहुत है लेकिन पहली बार ये जगह पे आए हैं ना तो ये जगह को देखने का एक्साइटमेंट भी है। हम लोग एक्चुअली सबसे ज़्यादा डर रहे हैं उमा को लेके, बच्ची है ना। अभी हम लोग जिस टैक्सी से आ रहे थे ना वो हमसे पूछ रहे थे कि आप लोग टूरिस्ट हो क्या, घूमने आए हो, तो सौरभ उतना कहना नहीं चाहता था डिटेल में, नहीं तो बात से बात बढ़ जाती है। सौरभ ने कहा कि हाँ हम लोग टूरिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा अभी क्यों आए हो, अभी तो गर्मी है। तो मैंने कहा अरे लोग जाते हैं ना बर्फ़ देखने पहाड़ों पे, हम लोग दुबई में आए हैं गर्मी देखने। वाह, यहाँ पे देख के तो गुंडी भी कह रही है वाह, उसको भी अच्छा लग गया। देखो यहाँ पे है हमारा होटल, मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए दिखा रहा है, दिख रहा है। तो हम लोग बड़े आराम से यहाँ पे एक ब्रिज है यहाँ से जा सकते हैं। एंड लुक एट द व्यू गाइस, ओह माय गॉड, उस तरफ से हम लोगों ने बहुत बार देखा है जहाँ पे वो बड़ा सा एक स्क्रीन आ रहा है। फिर उस जगह पे भी हम लोग बहुत बार आ चुके हैं पर इस तरफ से हम लोग पहली बार देख रहे हैं। मौसम तो बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं है, प्लेजेंट तो मैं नहीं बोलूँगी, गर्मी है पर पता है दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उतना नहीं लग रहा है यहाँ पे आपको, थोड़ा सा कम लग रहा है थोड़ा सा, पर ये भी मैं नहीं कहूँगी कि आप सह सकोगे। इतना अच्छा व्यू देख के थोड़ा सा मतलब दिल को सुकून मिल जाता है, तो आप खड़े हो लोगे नहीं तो आप देख सकते हो पसीना ऑलरेडी टपक रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है? पसीना तो है टपक रहा है लेकिन व्यू इतना अच्छा है कि ना मैं व्यू में घुस गया हूँ, वही मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। ब्लू वाटर्स से ये जगह इतना खूबसूरत है ना, मैंने फ़ोटोज़ में वीडियोस में बहुत बार देखा है लेकिन आज पहली बार ऐसे अपनी आँखों से देख रही हूँ। सच में बहुत अच्छा है, फ़ोटो और वीडियो में मुझे अच्छा लगा था लेकिन अपनी आँखों से देखने का मज़ा ही अलग होता है। और ये देखिए एन दुबई कितना ऊँचा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा व्हील है। और वो देखिए समुंदर के उस तरफ दूर वो है पाम जुमेरा, और फिर यहाँ पे अभी जो मैं दिखा रही हूँ जो नया अटलांटिस होटल बना है ये वो है। अभी कुछ ही देर में सनसेट हो जाएगा और ये सनसेट होने के पहले का ये जो टाइम है ना इसको बोलते हैं गोल्डन आवर्स, बहुत ही अच्छा लगता है। आसमान कैसा गोल्डन हो गया है देखिए, और वो देखिए दूर यहाँ पे ना बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़ भी होते हैं, जैसे कि ये है येलो बोट, फिर जेट स्की तो आपने देखा ही। वैसे मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी ऐसे गर्मियों के मौसम में यहाँ पे आने की, सर्दियों में आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। वैसे हम लोगों ने सोचा ही था कि गर्मी में तकलीफ़ तो थोड़ी होगी, पर मेरा बर्थडे था इसीलिए हम लोगों ने इस टाइम पे प्लान बनाया है।
अभी देखिए हम लोग एकदम एंड दुबई के नीचे आके यहाँ से वीडियो ले रहे हैं। अभी कुछ ही देर में सनसेट भी हो जाएगा, तो यहाँ से पता चल रहा है ये कितना ऊंचा है। देखिए, ओ माय गॉड, यहाँ पे कोई भी कॉफी खरीदता तो उसके नाम से आता है। हाँ, मेरे कार्ड से लिया ना, इसीलिए रूपा नाम लिखा है इसीलिए। और मैंने सोचा तुमने कहा होगा। इतना सारा मिलता है ना कि हम लोग जब भी यहाँ पे आते हैं ना, एक ही ऑर्डर करते हैं हमेशा। पर हम लोगों ने कभी ये कोल्ड वाला नहीं लिया था, है ना? कोल्ड वाला हमने फर्स्ट टाइम हम लोगों ने कोल्ड वाला ऑर्डर किया है, क्योंकि गर्मियों के सीजन में हम लोग उतना बाहर जाते नहीं है और सर्दियों में कोल्ड कॉफी खाने का मन नहीं करता था, तो इसीलिए। तो इस बार गर्मी में आए हैं तो कोल्ड कॉफी लिया है। यहाँ पे इतना कॉफी मिलता है, कॉफी लोग पीते हैं, लेकिन ये ना पेट भर के पेट भर जाता है पूरा। वैसे तो छोटा साइज भी आता है बट कोई फायदा नहीं है, 3-4 ग्राम का डिफरेंस होता है। उससे अच्छा है कि बड़ा वाला ले लो और शेयर कर लो। एक साथ बोला। हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, दुबई में रह के इधर नहीं आए। आएंगे जैसे एक जगह पे रहते हो ना, तो ऐसा लगता है कि अरे चले जाएंगे यार। और अल्टीमेटली होता नहीं है, जो लोग टूरिस्ट होते हैं घूमने आते हैं वो लोग घूम के चले जाते हैं, और हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोगों ने नहीं घूमा अब तक। अगर आप लोग हमारा चैनल पहले से देखते हो, और हमारा एक वैलेंटाइन डे वाला ब्लॉग था, उसी दिन मतलब कोइंसिडेंसली मैंने यही ड्रेस पहना था उस दिन भी, तो तब हम लोग यहाँ पे आए थे, और हमने ना उसी टाइम पे ये एंड दुबई का टिकट भी लिया था। हम लोग आने ही वाले थे और तब हम लोगों को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो जो 14 फेब को हम लोग यहाँ पे आए थे वैलेंटाइंस डे पे, उसके कुछ दिन बाद हम लोगों को पता चला, और तभी हम लोग आने भी वाले थे यहाँ पे, तो फिर हम लोग नहीं आए और फिर ये बंद ही हो गया, हमारा टिकट का पैसा गया। नहीं तो उस टाइम पे ऑलरेडी हमने देख लिया। वैसे जिन लोगों ने डायरेक्ट टिकट लिया था ना इनके वेबसाइट से, उनको इन लोगों ने पैसा रिटर्न कर दिया। हम लोगों ने एजेंट के थ्रू लिया था, तो इसीलिए हमारा पैसा गया। एजेंट की गलती है, वो इनकी कोई गलती नहीं है। उमा अभी ऐसी कर रही थी, उसको जब बहुत ज्यादा मजा आता है ना तब वो ऐसा करती है। वहाँ पे देखो कितना एक कर्व स्क्रीन लगा के रखा है उस तरफ। यहाँ पे हर तरफ बहुत अच्छा है, मुझे नहीं पता कैमरे में कितना पता चल रहा है, पर बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। उपर। हाँ ऊपर ये देखिए, वाह। डे लाइट और नाइट में कैसा लगता है ये जगह, दोनों ही मैंने शेयर किया है, तो आप लोग बताना कि आपको कौन से टाइम का व्यू सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए, ये एक रेस्टोरेंट है, इसका नाम है पॉट, और यहाँ से हमारा होटल भी दिख रहा है, वो देखिए रमादा होटल। और ये जो रेस्टोरेंट है ना पॉट्स, ये बिल्कुल जो मरीन स्टेशन बना हुआ है यहाँ पर, मरीन स्टेशन के सामने ही है। जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे तो डे लाइट रहते रहते हम लोगों ने थोड़ा पिक्चर्स क्लिक किया, इस तरफ उस तरफ थोड़ा देखा कि कैसा लगता है ये जगह। उसके बाद हम लोग कॉफ़ी शॉप के अंदर चले गए थे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी बाहर निकलने के बाद फिर से हम लोग थोड़ा इधर उधर देख के चले जाएँगे यहाँ से, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, ज़्यादा रुक नहीं सकते। और यहाँ से जाने के लिए ये देखिए एक ब्रिज बना हुआ है पूरा समुंदर के ऊपर से, यहाँ से हम लोग अभी चल के जाएंगे। बाहर गर्मी तो है, लेकिन उसके साथ साथ अगर धूप होती तो इस ब्रिज के ऊपर चलना और मुश्किल हो जाता, इसीलिए आते वक्त तो हम लोग टैक्सी में आ गए थे, लेकिन अभी जाते वक्त धूप नहीं है तो चल के चले जाएंगे।
बाप रे क्या लिफ्ट है। लिफ्ट के अंदर का लाइट देख के ऐसा लग रहा है ना वो पुरानी हवेली वाली मूवी आती थी ना 90s की। पर मुझे वैसा नहीं लगा, मुझे डिस्को लगा। पुरानी हवेली, ओ माय गॉड, ये लिफ्ट से ऊपर आके कितना अच्छा व्यू है। वाओ वाओ वाओ, उमा भी बोल रही है वाओ वाओ। हाँ ये जगह आज हम यहाँ से एकदम पहली बार देख रहे हैं। ब्लू वाटर्स को हमने दूर से देखा है, जितनी बार भी देखा है, या तो JBR बीच से देखा है या फिर जब वो मरीना क्रूज़ में हम थे तो क्रूज़ से देखा था। लेकिन यहाँ पे आके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग सोच भी रहे थे कि गए नहीं हैं प्रॉपर उस जगह पे, लेकिन दूर से तो देखा है, पता नहीं ये गर्मी में जाएंगे तो अच्छा लगेगा या नहीं। देखो कितने दो क्यूट कस्टमर बैठे हैं इधर। ये देखिए बातों ही बातों में हम लोग पहुंच गए हैं फुट ब्रिज तक। अभी ये फुट ब्रिज से मैं इस जगह का एक व्यू दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये रहा पूरा JBR साइड और ये रहा ब्लू वाटर्स की तरफ। कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, मुझे तो एकदम मैजिकल लग रहा है। फुटब्रिज से चलते हुए एक जगह आता है जहाँ पे ना एक नेट टाइप का लगा हुआ है, लेकिन वो एकदम ठोस लोहे का है पर नेट जैसा है, उसके आर पार आप देख सकते हो। तो उसके ऊपर ना आप ऐसे जब चलोगे तो नीचे पूरा समुंदर दिखता है। अभी मैं तो देख सकती हूँ और रात में ना उतने अच्छे से पता नहीं चल रहा है, शायद दिन की रोशनी में इस जगह पे आएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए नीचे पूरा समुंदर दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप कभी खुद नहीं आओगे ना तो यू वोंट बी एबल टू फील कि एक्चुअली में क्या है, कैमरे में कुछ समझ नहीं आएगा। बस चलते चलते हम लोग पहुँच गए हैं JBR तक। अभी कुछ ही देर में हम लोग होटल भी पहुँच जाएंगे। जाने से पहले फिर से पीछे मुड़ के ये जगह को और एक बार देख रही हूँ। जाते हुए सामने एक चिल्ड्रंस प्ले एरिया बना हुआ था जहाँ पे झूला था, तो वो देख के सौरभ ने कहा मैं ना उमा को थोड़ा सा झूला झूलाता हूँ फिर हम लोग जाएंगे। सो गाइस आज का ये व्लॉग बस यही तक, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप लोग मुझे बताना कमेंट में कि आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और ब्लू वाटर्स एंड दुबई आप लोगों को कैसा लगा।